फ्रेंड्स, दिस इज सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी ऑयली स्किन का नाइट केयर रूटीन शेयर करूंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस का मेकअप रिमूव करेंगे। मेकअप रिमूव करने के लिए मैं गार्नियर मिसेलर यूज करती हूँ। जैसे कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और मुझे बहुत जल्दी ब्रेकआउट्स आते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके उतना वाटर बेस्ड प्रोडक्ट यूज करूँ। इसके लिए मैं एक कॉटन पैड लूंगी। इसमें मैं कुछ ड्रॉप्स मिसेलर के लूंगी और मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही हूं। जैसे देखिए, मैंने अपना मेकअप बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर लिया है। मैंने आईलाइनर, काजल, लिपस्टिक, क्रीम सब लगाया था, मैंने रिमूव कर लिया है। अभी मेकअप रिमूव करने के बाद अब आप अपने फेस की स्क्रबिंग करेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ मयूर खादी का गोल्ड फेशियल स्क्रब। इन वीक में सिर्फ और सिर्फ दो बार करती हूँ। इसके लिए हम स्क्रब लेंगे और के लिए मैं अपने फेस को स्क्रब लेकर अच्छे से मसाज करूंगी, अच्छे से मसाज करूंगी क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज, ताकि कुछ जो भी डस्ट पार्टिकल्स मेरे फेस में जमा हो वो बहुत अच्छे करी तरीके से निकल जाए एंड मेरा फेस एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। तो देखिए, और इसे हम हार्डली कुछ सेकंड्स के लिए करेंगे, ज़्यादा नहीं। मैंने अपना फेस जो है स्क्रबिंग कर ली है। अब स्क्रबिंग करने के बाद हम अपने फेस को वॉश करेंगे। मैं वॉश करने के लिए अपनी यहाँ पे क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये जो है ओपन पोर्स को क्लॉग नहीं करता है एंड ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ पे मॉर्निंग एनर्जी वाला क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। अभी मैं ड्रॉप्स लेके हम अपने फेस को वॉश करेंगे। देखिए, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब मैं इसे ड्राई करूंगी। फेस को ड्राई करने के बाद अब मैं यहाँ पे टोनर यूज करूंगी। मैं यहाँ पे फेशियल टोनर पंच पुष्प का यूज करती हूँ। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली मेरे स्किन को तो ये काफी अच्छा सूट करता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये यूज करती हूँ। फ्रेंड्स, टोनर हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करता है। कभी कभी मेरे पास जब ये टोनर नहीं होता तो मैं रोज़ वाटर भी यूज़ करती हूँ एंड समर के टाइम में मैं यहाँ पे क्यूक्यूम्बर का भी टोनर यूज़ करती हूँ। टोनर यूज़ करने के बाद हम इसे एक मिनट के लिए अच्छे से ड्राई होने के लिए रहने देंगे। देखिए, मैंने जो टोनर अप्लाई किया था, टोनर अच्छे तरीके से मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं यहाँ पे शीट मास्क यूज़ करूँगी। शीट मास्क मैं वीकली वंस ही यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे गार्नियर सीरम का प्योर चार्कल मास्क यूज़ करती हूँ। ये हमारे फेस के पोर्स को टाइट करने में हेल्प करता है एंड ये मास्क, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, वन मास्क वन वीक ऑफ सीरम। ये हमें सिर्फ वीकली वंस ही यूज़ करना है एंड ये बहुत अच्छा मास्क है, इसलिए मैं ये वाला मास्क यूज़ करती हूँ। ये मेरे पोर्स को टाइटन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम इसे अनफोल्ड करेंगे। जैसे कि आप देखिए, हम अनफोल्ड करेंगे एंड अनफोल्ड करने के बाद हम इसे फेस पे अच्छे से लगाएंगे। फ्रेंड्स, शीट मास्क हमारे फेस को मॉइस्चर करता है, हमारे फेस की ऑयल को कंट्रोल करता है, एक्ने की वजह से हमें जो इरिटेशन होती है उसे रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है एंड इसे यूज़ करने से हमें एकदम फ्रेश फील होता है। अब हम इसे 15 मिनट्स तक इसी तरीके से रहने देंगे। ये देखिए, 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपना मास्क रिमूव कर और आप देख सकते हैं मेरा फेस बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज हो चुका। मेरा फेस बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज हो चुका है एंड मेरी स्किन बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। शीट मास्क यूज करने के बाद अब मैं अपने फेस पे सिरम यूज करूंगी। मैं यहाँ पे
मैं यहाँ पे डॉटन की वाटर ड्रेंच हाइड्रेटिंग हाइलुरोनिक सीरम कंसंट्रेट यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से मैं अपने फेस को मसाज करती हूँ। फ्रेंड्स, सीरम हमारे फाइन लाइंस रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड ये हमें यूवी लाइट एंड पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है। अब मैं यहाँ अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी। मॉइस्चराइज यूज करने के लिए मैं डॉट एन की का ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ। ये नाइट रिसेट क्रीम है। डॉट एन की नाइट रिसेट रेटिनोल प्लस सेरामाइड स्लीप ट्रीटमेंट क्रीम। अब मैं अपना लिप बाम यूज करूंगी। मैं यहाँ पे पीसी फर्न का लिप बाम यूज करती हूँ। ये मेरे लिप को बहुत अच्छा तरीके से मॉइस्चराइज करता है, ये मेरे लिप को पिंक रखता है, ये मेरे लिप को सॉफ्ट रखता है। मैं यहाँ पे ये देखिए, मैंने इतना इसको यूज किया है कि अब ये खत्म होने वाला है। अंडर आई क्रीम में सिर्फ और सिर्फ विटामिन ई की टैबलेट यूज करती हूँ। मैं इसका जो ऑयल है उसे लेती हूँ, यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स लगाती हूँ, कुछ ड्रॉप्स मैं यहाँ नीचे लगाती हूँ। आपके पास अगर कोई छोटा कंटेनर हो तो आप ये टैबलेट स्टोर कर भी रख सकते हैं, बिकॉज ये टैबलेट आप 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से यूज करने के बाद इसे छोटे से कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। अब देखिए, अब हम इसे स्लोली स्लोली क्लॉक एंड एंटी क्लॉक मसाज करेंगे ताकि ये हमारे आईज में
बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे आईज में बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा नाइट केयर रूटीन जो मैं एवरी नाइट बिफोर बेड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मैं यहाँ पे दो चीजें स्किप करती हूँ जो मैं वीकली करती हूँ, वो है शीट मास्क एंड स्क्रबिंग। एंड मैं समर्स के टाइम पे कुछ DIY प्रोडक्ट्स भी बनाती हूँ, जैसे मैं टोनर बनाती हूँ होम रेमेडी से, लिप बाम बनाती हूँ, अंडर आई क्रीम्स बनाती हूँ। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए भी वो वीडियोस लेकर ज़रूर आऊँगी। एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।